हेलो भाई, हो जति सिंह की एक और वीडियो। भाई आपका हार्दिक स्वागत है। भाई आज की वीडियो हम देखने वाले हैं इन दोनों गाड़ियों का भाई कंपैरिजन, ऐसा कि मेनली बेसिकली देखना चाहता हूँ मैं इन गाड़ियों का कि क्या क्या सिस्टम है और क्या क्या फीचर्स वगैरह ये प्रोवाइड कर देती हैं दोनों गाड़ियाँ। भाई एक ही कंपनी की आती है, ये अपनी मारुति की आ जाती है, भी अपनी मारुति सुजुकी की आ जाती है, बट ये आपकी नेक्सा के अंडर आती है, आपकी आती है अरेना के अंडर, जो कि भाई ठीक ठाक है। इसका भाई अगर आप ऑन रोड लेना चाहोगे तो ये आपको ऑन रोड पड़ जाएगी 5-6 लाख समथिंग की पड़ जाएगी आज की डेट में। और इसकी भाई अगर टॉप मॉडल की बात करूँ तो इसका भाई टॉप मॉडल आपको पड़ जाएगा 8-8.5 लाख तक समथिंग का पड़ जाएगा। ये इसका भाई जेटा वाला वेरिएंट है और ये अपना भाई वैगनार का VXI वाला वेरिएंट है, जो कि अपना बेस से ऊपर आता है, ये अपना टॉप से एक नीचे आता है। इन दोनों के भाई क्या अगर मैं प्राइस की बात करूँगा तो डिफरेंस तो है बट काफ़ी, बट इसके अगर बेस मॉडल की बात करोगे और इसके अगर आप ऑन रोड की बात करोगे तो वही भाई सेम सेम ही आ जाते हैं, क्योंकि इसका VXI भी अपना 5-6 लाख के अंडर आ जाता है और इसका भाई जेट जो इसका सिग्मा डेल्टा वगैरह आ जाता है जो कि भाई अपना 5-6 लाख के अंडर आ जाता है। दोनों गाड़ियों की भाई फ्रंट से कुछ ऐसी लुक है जो कि ठीक ठाक है, बड़ी अपनी इग्निस की तो भाई आपने काफ़ी बार देख रखी है और बड़ी आपकी वैगनार की भी आपने देख रखी है। इसमें भाई अब आपको बढ़िया हैलोजन लाइट्स मिल जाती है, वहाँ पर भी आपको सेम वही सारा सिस्टम मिल जाता है, उसमें भी भाई आपको हैलोजन लाइट वगैरह मिल जाती है। उसके अगर आप टॉप मॉडल की बात करोगे तो उसमें आपको डीएल वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, बट इसमें आपको ऐसा कोई सिस्टम नहीं, यहाँ पर बड़ी आपको हैलोजन लाइट मिल जाएगी, यहाँ पर बड़ी इसके फॉग लैंप है, यहाँ पर लो बीम हाई वाला सेटअप है और यहाँ पर इसके इंडिकेटर वगैरह का सारा सिस्टम आ जाता है। यहाँ पर बड़ी फ्रंट ग्रिल भी कुछ ऐसी मिल जाती है और इसका भाई सेम टू सेम यही सिस्टम है, इसमें भाई पूरा हैलोजन सेटअप है, चाहे इसकी हाई बीम की बात करो चाहे लो बीम, चाहे इसकी फ्रंट ग्रिल कुछ अलग आ जाती है। इसमें 4 स्लॉट आपको फ्रंट ग्रिल मिल जाती है जो कि ठीक ठाक है, बड़ी यहाँ पर इसके एयर इंटेक करने वाला सिस्टम है, ऐसे नंबर प्लेट वाला सारा सिस्टम मिल जाता है। और इसके मैं टायर साइज़ की बात करूँगा तो इसका टायर साइज आपको मिल जाता है 175/60/18/15 इंची का, बड़ी आपको अलॉय व्हील मिल जाता है जो कि ठीक ठाक है बढ़िया, बट इसमें आपको स्टीयरिंग मिल जाता है जिसकी प्रोफाइल है अपनी आई थिंक 155/65/18/14 इंची का, बड़ी आपको स्टीयरिंग मिल जाता है। इसका भाई इंडिकेटर आप देखोगे तो इंडिकेटर बड़ी आपको फ्रंट साइड है और इसमें भाई आपको फ्रंट साइड मिल जाता है, बट इसमें आपको साइड का इंडिकेटर यहाँ पर फेंडर पर मिलेगा, बट इसका आपको वायर वैम पर मिल जाता है। ये अपना भाई 2022 वाला वेरिएंट है और ये अपना 2015 या 2016 वाला वेरिएंट है आई थिंक। और ऐसी कुछ भाई इस गाड़ी की साइड लुक है, एग्निस की तो भाई आपने काफ़ी बार देख रखी है। अगर मैं इसका इंटीरियर की बात करूँ कि वैगनार का इंटीरियर कैसा है, तो वैगनार की अगर आप सिस्टम तो बात करोगे यहाँ पर बड़ी आपको कीलेस एंट्री वगैरह कुछ नहीं मिलती है, बट उसमें आपको कीलेस एंट्री वगैरह सब कुछ मिल जाता है। इसमें आपको ऐसी कुछ की मिल जाती है जिसमें लॉक वगैरह सारा सिस्टम मिल जाता है, ऐसी कुछ अपनी मैनुअल की मिल जाती है जो कि ठीक है बड़ी। ऐसा कुछ भाई इसका मेन इंटीरियर जो कि आपने काफ़ी बार देख ही रखा है मेरी वीडियोस में, ऐसा कुछ भाई इसका मेन इंटीरियर जो कि ठीक ठाक लगता है बढ़िया देखने में, ऐसा कुछ भाई इसका मेन स्टीयरिंग है और यहाँ पर इसका स्पीडोमीटर भी मिल जाता है और ऐसा कुछ भाई इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि अपना पूरा बेसिक है, बढ़िया ब्लूटूथ या USB ऑक्स वगैरह यहाँ से फिट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर भाई इसका अपना मैनुअल AC मिल जाता है जो कि ठीक ठाक है बढ़िया। यहाँ पर इसका भाई आपको ये स्पेस वगैरह ठीक ठाक दे रखा है गाड़ी में, स्पेस वगैरह की कोई दिक्कत है नहीं है, स्पेस वगैरह में कभी कोई आपको दिक्कत वगैरह नहीं होगी। यहाँ पर बड़ी आपको यहाँ पर एक छोटा सा कप होल्डर वगैरह भी मिल जाता है जो कि ठीक ठाक है बढ़िया। यहाँ पर आप किसके लाइट्स के लेवल वगैरह सेट कर सकते हैं, यहाँ पर अलार्म वगैरह सारा सिस्टम मिल जाता है, ऐसी कुछ की है जो कि अपनी मैनुअल है, इसको आप यहाँ पर अपना इंसर्ट वगैरह कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भाई यहाँ से ओपन वगैरह भी कर सकते हो इसके पूरे इनपुट सिस्टम को जो कि ठीक ठाक है बढ़िया। ऐसे कुछ भाई इसके वैनिटी मिरर मिल जाते हैं जो कि अपना वैनिटी मिरर इधर नहीं है, बट इधर आपको एक वैनिटी मिरर जरूर मिल जाता है। यहाँ पर इसकी लाइट मिल जाती है जो कि हैलोजन है, यहाँ पर बड़ी इसके ओवर भी मिल जाते हैं जो कि ठीक ठाक है बड़ी। यहाँ पर चारों पावर विंडो और गियर नॉब कुछ ऐसा है और यहाँ पर स्पेस मिल जाता है जो कि ठीक ठाक है, हैंड ब्रेक कुछ ऐसी है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा स्पेस वगैरह मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक फ़ोन रखने के लिए स्पेस भी मिल जाता है और ऐसी कुछ भाई इसकी सीट मिल जाती है। स्पेस तो भाई ठीक ठाक है गाड़ी में, स्पेस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। विंडशील्ड का भाई कुछ ऐसा सिस्टम है, अगर मैं इसके सेटिंग पॉस्चर की बात करूं तो सेटिंग पॉस्चर कुछ ऐसा है जो कि मेरे कैमरा एकदम मेरे पूरी आंखों के सामने और बढ़िया सेटिंग पॉस्चर इसका थोड़ा सा हाई है, बट उसका थोड़ा सा सेम ही लग रहा है मेरे को, ज़्यादा फर्क नहीं है। और इसकी अगर मैं पीछे की स्पेस की बात करूंगा कि पीछे कैसा स्पेस है, तो पीछे भी भाई सेम यही स्पेस है स्पेस, बट इसमें पीछे मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसमें पीछे स्पेस। इसमें भाई पीछे देखोगे आप तो काफ़ी स्पेस मिल जाता है, अगली सीट भाई मेरी फुल पीछे है तब भी भाई गाड़ी में अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्पेस तो आपको ठीक ठाक ही मिल जाता है गाड़ी में, आराम रश वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पर फ्रंट लुक इंटीरियर कुछ ऐसी मिलेगी जो कि अपनी पूरी बेसिक है और यहाँ पर आपको 4 स्पीकर वगैरह मिल जाते हैं, इसमें ट्विटर वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे बट उसमें आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर वगैरह भी मिल जाते हैं। इसका बूट में अगर अनलॉक करने की बात करूँ तो बूट इसका यहाँ से अनलॉक होता है, जिसको आप यहाँ से अनलॉक वगैरह भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा कुछ है इसका सारा सिस्टम जो कि पूरा बेसिक सा है।
इसके बूट को भाई आप आगे से अनलॉक करना पड़ेगा, यहाँ से भी इसको आप लॉक वगैरह अनलॉक वगैरह कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा कुछ भाई इसका बूट है जिसमें आपको बढ़िया इसकी ये भी रख सकते हो बेस ट्यूब वगैरह, जिसमें बढ़िया आप गाने वगैरह भी सुन सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हवा की साउंड भाई थोड़ी आ रही होगी इसके लिए थोड़ा सॉरी है, बट चलो कोई नहीं, इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो आप। और ऐसी कुछ भाई इसकी दोनों गाड़ी की पीछे से बैक लुक मिल जाती है जो कि ठीक ठाक ही है बढ़िया। और साइड से इग्निस की लुक तो भाई आपने काफ़ी बार देख रखी है, इग्निस में भाई आपको टोटल 4-3 रिवर्स जल्दी ये मिल जाएंगे आपके रिक्वायर्ड सेंसर, जो कि ठीक ठाक है बढ़िया। इसका भाई इग्निस का इंटीरियर तो आपने काफ़ी बार देख रखा है मेरी वीडियोस में, और इग्निस की चाबी भाई कुछ ऐसी मिल जाती है आपको जो कि बड़ी आपकी सेंटर लॉकिंग वाली, और इसमें बड़ी आपको स्मार्ट की प्रोवाइड हो जाती है। ऐसा कुछ भाई इसका मेन इंटीरियर, यहाँ पर इसके चार पावर विंडो मिल जाते हैं, ऑटो डाउन है ये अपनी, और यहाँ पर बड़ी आपको एक पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है। ऐसा कुछ भाई इसका मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि अपना टच स्क्रीन है बढ़िया, यहाँ पर आपको मैनुअल एसी मिल जाता है, और बढ़िया सारा ये सिस्टम है इसमें भाई। स्पेस वगैरह की बात करते हैं, यहाँ पर ग्लव बॉक्स मेरा मिल जाता है बट सेम वही, यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर भी ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है, दो कप होल्डर वगैरह आपको मिल जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और पीछे भाई काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता नहीं है, इसके नेक रेस्ट भी भाई आपको चारों एडजस्टेबल मिलेंगे। इसका इंटीरियर तो भाई आपने काफ़ी मेरी वीडियोस में देख रखा है, और यहाँ पर भी आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाते हैं, यहाँ पर इसकी लाइट्स मिल जाती है जो कि उसी की तरह हैलोजन है, बट यहाँ पर कोई लाइट्स वगैरह का सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ इसके ग्रैब हैंड्स मिल जाते हैं जिनकी स्मूथ लैंडिंग है, बट उसमें थोड़ी सी ढक जैसी आवाज़ आती है, बट चलो कोई नहीं, ये भी ठीक ठाक ही चीज़ है। ऐसी कुछ भाई ने दोनों गाड़ी की मिल जाती है, जो कि अपनी ये अपनी इग्निस वाली है और ये अपनी वैगनार वाली है, जो कि ठीक ठाक है बढ़िया। और अगर भाई इनके बूट की बात करूं तो मैं इसका बूट भी भाई सेम थोड़ा सा उसके समान लग रहा है मेरे को, बट उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ ज़्यादा डाउन है इसका बूट, जो कि आपने मेरी वीडियोज़ में काफ़ी बार देख रखा है। इसका बूट भाई यहाँ से अनलॉक वगैरह भी हो जाता है, इसमें भाई पीछे पीछे भी आपको एक रॉकेट सेंसर मिल जाता है, यहाँ पर इसका बूट थोड़ा से थोड़ा सा बड़ा है, बट चलो कोई नहीं, ये भी ठीक ठाक सी बात है। यहाँ पर बड़ी आपको पास ट्रे भी मिल जाती है अपनी प्राइवेसी वगैरह के लिए। ऐसा कुछ भाई इन दोनों गाड़ियों को आप बोनेट वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पर बड़ी आपको कवरिंग वगैरह मिल जाती है, इसमें बढ़िया इसकी इंसुलेशन वगैरह मिल जाती है जिसमें आपको अंदर इंजन साउंड वगैरह नहीं आए, और इसमें आपको इंसुलेशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। इसका छोटा सा बोनेट, इसका थोड़ा सा कंफर्टेबली थोड़ा सा बड़ा बोनेट मिल जाता है, और इसमें भाई आपको कवरिंग वगैरह ऐसी कुछ मिलेगी। ये अपना भाई सुजुकी का वही अपना 1 लीटर वाला इंजन है जो कि आपको निकाल के देता है 88 BHP और 113 Nm का टॉर्क, जो कि अपना वैगनार वाला है। और ये भाई आपको मिल जाता है इसका इग्निस वाला, जो कि भाई अपना निकाल के देता है 81 BHP और 113 Nm का टॉर्क। पावर फिगर भाई देखोगे तो दोनों गाड़ियों का सेम इंजन है, बट इसका आपको 1.2 लीटर वाला पेट्रोल इंजन मिल जाता है, इसमें आपको 1 लीटर वाला पेट्रोल इंजन मिल जाता है। इसका थोड़ा सा बड़ा इंजन है कंपेटिवली इसके, इसमें भाई थोड़ा सा छोटा इंजन आपको मिल जाता है, बट ज़्यादा पावर वो आपको प्रोड्यूस करके देता है, क्योंकि आपका 88 BHP और 113 Nm का टॉर्क निकाल के दे देता है। बट इसमें आपको वायरिंग वगैरह ऐसा देखोगे तो सारी ओपन ही है, ऐसी कोई कवरिंग वगैरह नहीं कर रखी है, बट इसमें आपको वायरिंग की थोड़ा सिस्टम था, वायरिंग अच्छी तरह से उसमें कवर हो रखी है, बट इसमें ये वाला सारा पार्ट ऐसे विजिबल है, उसमें बढ़िया कवरिंग वगैरह दे रखी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई ये था दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन, जो कि भाई काफ़ी बढ़िया लगा। और मेरे ख्याल से भाई अगर इन दोनों गाड़ियों को भाई आप कन्फ्यूज़ हो कि दोनों गाड़ी में कोई कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग भाई आपको इग्निस की तरफ जरूर जाना चाहिए। ऐसे मैं ऐसे नहीं बोलूँगी इग्निस मेरी गाड़ी, तो मैं इसकी ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ, बट भाई ये सब देख लो कि फीचर वाइज आपको चाहिए और मोस्ट वैल्यू फॉर मनी और थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी भी आप चाहिए, तो इसमें भाई आपको 3-स्टार रेटेड बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, इसमें आपको 1-स्टार बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, जो कि ठीक ठाक है बढ़िया। बट यार मेरे ख्याल से बिल्ड क्वालिटी को इतना इशू नहीं देना चाहिए, क्योंकि यार बिल्ड क्वालिटी तो बंदे के अपने हाथ में होती है, बट चलो कोई नहीं भाई। ये था दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन, ये थी वीडियो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।